हेलो स्टूडेंट, टुडे वी सी द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन ऑफ एफएम. ओके, सो सी द फर्स्ट, इट इज़ द टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन ऑफ एफएम. इन दिस द टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन इज़ अ ग्राफ और अ प्लॉट ऑफ एम्पलीट्यूड ऑन वाई एक्सिस वर्सेस टाइम ऑन एक्स एक्सिस. ओके, सो टाइम डोमेन जो रिप्रेजेंटेशन रहता है वो ग्राफ या फिर प्लॉट रहता है एम्पलीट्यूड और टाइम के बीच में. एम्पलीट्यूड रहता है वाई एक्सिस पे और जो टाइम है वो रहता है एक्स एक्सिस पे. ओके, इट शोज द वेरिएशन इन एम्पलीट्यूड ऑफ एफएम वेव विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. जो टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन है वो क्या शो करता है, जो भी एम्पलीट्यूड का वेरिएशन हो रहा है फ्रिक्वेंसी मॉडुलेशन में विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. ओके, वो जो है टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन जो है वो शो करता है फ्रिक्वेंसी मॉडुलेशन में. ओके, सो सी द टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन ऑफ एफएम वेव. दिस इज द वेव फॉर्म फॉर मॉडुलेटिंग सिग्नल. ओके, मॉडुलेटिंग सिग्नल, ये जो है वेव फॉर्म ये मॉडुलेटिंग सिग्नल की है. जो सेकेंड वेव फॉर्म है जैसे कि ये वाली, ये क्या है आपकी टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन है फ्रिक्वेंसी मॉडुलेशन वेव का. अभी इसमें क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे जो है मॉडुलेटिंग सिग्नल नहीं है, सो आपका जो फ्रिक्वेंसी चेंज है वो नहीं हो रहा है. ओके, और जब क्या हो रही है मॉडुलेटिंग फ्रिक्वेंसी क्या हो रही है पॉजिटिव साइकिल में जा रही है, तब आपका जो फ्रिक्वेंसी है वो क्या हो रहा है, मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी चेंज हो रहा है. ओके, और जब ये नेगेटिव में जा रहा है मॉडुलेटिंग सिग्नल, तब क्या हो रहा है आपका जो फ्रिक्वेंसी है वो क्या हो रहा है, मिनिमम चेंज हो रहा है. ओके, सो इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्वेंसी वेरियस इन प्रपोर्शन विथ मॉडुलेटिंग वोल्टेज. ओके, सो ये जो है आपका, ये क्या है, टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रिक्वेंसी मॉडुलेशन वेव. ओके, सो सी द नेक्स्ट, दैट इज द फ्रिक्वेंसी डोमेन ऑफ फ्रिक्वेंसी मॉडुलेशन. ओके, सो सी द फर्स्ट पॉइंट, द फ्रिक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन ऑफ एफएम वाज वेव इज अ ग्राफ ऑफ एम्पलीट्यूड प्लॉटेड ऑन वाई एक्सिस वर्सेज द फ्रिक्वेंसी प्लॉटेड ऑन एक्स एक्सिस. अभी इसमें जो है फ्रिक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन भी क्या होता है, ग्राफ होता है, बट एम्पलीट्यूड ये क्या होता है, वाई एक्सिस पे होता है, और फ्रिक्वेंसी ये कहाँ पे होता है, एक्स एक्सिस पे होता है. ओके, सी द सेकेंड पॉइंट, टू रिप्रेजेंट द एफ एम वेव इन अ फ्रिक्वेंसी डोमेन कंसिडर द इक्वेशन ऑफ एफ एम वेव अगेन. मीन्स आपको अगर क्या फ्रिक्वेंसी डोमेन में जो है फ्रिक्वेंसी मॉडुलेशन रिप्रेजेंट करना है वेव का, तो आपको फिर से जो फ्रिक्वेंसी मॉडुलेशन वेव का जो इक्वेशन है वो कंसिडर करना पड़ता है. सो नेक्स्ट पॉइंट में देखो, द एक्सप्रेशन फॉर द एफ एम वेव इज नॉट अ सिंपल. ओके, सिंपल एक्सप्रेशन नहीं है, इट इज़ कॉम्प्लेक्स सिंस इट इज़ द साइन ऑफ साइन फंक्शन. मीन्स ये जो है कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन होता है, साइन ऑफ साइन फंक्शन होता है. द ओनली वे टू सॉल्व दिस इक्वेशन यूजिंग बेसल फंक्शन. मीन्स ये जो इक्वेशन है, एक्सप्रेशन है, हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, यूजिंग बेसल फंक्शन से ही सॉल्व कर सकते हैं. सो सी द नेक्स्ट पॉइंट इज, By using the Bessel functions, the equation for FM wave can be expanded. हम लोग क्या कर सकते हैं, जो भी क्या है frequency modulation wave का जो equation है वो Bessel function का use करके हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको expand कर सकते हैं. So see the FM wave equation. This is the FM wave equation, that is the S of t इज इक्वल टू ई सी जे जीरो एम एफ साइन ओमेगा सी टी प्लस जे वन एम एफ. ओके, और ब्रैकेट में ये क्या है आपका, ये साइन फंक्शन है पूरा. अब इसमें क्या हो रहा है, हम लोग सिर्फ चेंज क्या कर रहे हैं, इधर सिर्फ यहाँ पे जे वन एम एफ है,
MF means that is the modulation index in frequency modulation. ओके सो यहाँ पे क्या हो रहा है, J2 आ रहा है, बाद में J3 आ रहा है, बाद में J4 आ रहा है और so on. ओके सो इस तरह आपको सिर्फ क्या करना है, जो इक्वेशन है आपका फ्रिक्वेंसी मॉडुलेशन का, वो आपको एक्सपांड करना है विद द हेल्प ऑफ बेसल्स फंक्शंस. ओके सो इसमें अभी ये जो क्या है, इक्वेशन है स्टार्टिंग वाला, ये है आपका कैरियर. ओके क्या है, कैरियर है. और ये जो पूरा इक्वेशन है उसके बाद में वो है इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइड बैंड्स. ओके क्या है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइड बैंड्स. अभी इसमें भी शो किया है, देखो नीचे में क्या है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का इक्वेशन है, एक्सप्रेशन है, क्या है, दिस इज द कैरियर जे जीरो एम एफ ई सी साइन ओमेगा सी टी. और जो नेक्स्ट है आपका, जो मैंने इक्वेशंस बताया है साइन ओमेगा सी प्लस माइनस ओमेगा एम, जो हम लोग ये लिखते हैं, ओके वो है आपका पेयर ऑफ फर्स्ट साइड बैंड. ये जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन पूरा, ये क्या है आपका, और जे वन भी इन लोगों ने कंसिडर किया है इसमें. ओके वो क्या है आपका, पेयर ऑफ फर्स्ट साइड बैंड, या फिर आप लोग बोल सकते हो इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइड बैंड्स. सो इन दिस वे दिस इज द फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन ऑफ एफएम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन. ओके सो थैंक यू.